हाल ही में क्रिकेट जगत के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट से अलविदा ले लिया है और विराट के कैप्टनसी छोड़ने के बाद इस बात के क्या लगाए जा रहे थे कि आईपीएल 2022 में एबी डिविलियर्स को कप्तानी मिल सकती है, लेकिन अभी वो संभावना भी खत्म हो चुकी है। एबीडी साउथ अफ्रीकन है, लेकिन साउथ अफ्रीका से ज्यादा इनके फैंस भारत में मौजूद है और इंडिया में इन्हें विराट कोहली और धोनी जितना ही प्यार दिया जाता है। इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ने भी सभी को झकझोर के रख दिया था और अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट से रिटायरमेंट ने भी इनके फैंस को हैरान करके रख दिया है। एबी डिविलियर्स की रिटायरमेंट के बारे में बाकी क्रिकेटर्स का क्या कहना है, ये जानने से पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और आपके अपने खास चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंजमान उल हक ने एबी डिविलियर्स के बारे में क्या कहा है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी कैरियर में इतना फिट आदमी नहीं देखा होगा, हालांकि मैं जॉन्टी के साथ भी खेल रहा हूँ, हंसी क्रोनिया बहुत फिट आदमी था, लेकिन जितना कदमों पर यह तेज था इतना कदमों पे मैंने तेज किसी को नहीं देखा। बांग्लादेश में ये खेल रहा था, बहुत गर्मी थी। बांग्लादेश में जो लोग खेलने में उनको आइडिया होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा। पॉल कॉलिंगवुड है ना बैठा था, वो भी बहुत फिट था, इंग्लैंड का प्लेयर था, बहुत फिट था, क्योंकि जी उस टाइम भी ये वर्ल्ड में जो क्रिकेटर्स में उनमें फिटेस्ट लोगों में उसका नाम था। वो मेरे से ये कह रहा था कि ये डिविलियर्स खेल रहा था और ये अपने ना रनिंग कर रहा था, तो मेरे से कॉलिंगवुड ने कहा कि जी कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट में जॉन्टी इसके डिविलियर्स के मुकाबले में 50% भी फिट नहीं है, ये इतना फिट आदमी था। तो इसका फिटनेस का लेवल और जिसमें ये कीपिंग करता था, कीपिंग में भी वही लेवल, फील्डिंग में भी वही लेवल, और बैटिंग में तो इसने बैटिंग की हिस्ट्री चेंज कर दी। ऐसा मेरा जो लम्हा आया था एबी डिविलियर्स को लेकर, वो आया धर्मशाला के मैदान पर। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है और इंडिया के जब भी आप किसी भी मैच के लिए आप जाते हैं कमेंट्री करने के लिए, तो आप जब मैदान पर जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा आइडिया होता है। इनफैक्ट आप पीछे भी मतलब ना देख रहे हो, ग्राउंड की तरफ ना भी देख रहे हो ना कि आप किससे बात कर रहे हो, और जब ग्राउंड में शोर होता है तो आपको पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी या किन इनमें से कोई खिलाड़ी जो है वो मैदान पर उतरा है। सो अगर धोनी खेल रहे हैं, धोनी कोहली रोहित, ये वो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट के जो इमीडिएट अगर हम जो स्पैन को देखें जिनके मैदान पर उतरते ही जस्ट देयर इज अ रोर, बहुत जोर से लोग शोर मचाते हैं, एकदम से खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, ऑल ऑफ दैट। सडनली यू नो कि धोनी आ गया, अरे यहाँ ना रोहित आया होगा, अब यहाँ कोहली आया होगा, एंड दैट्स अबाउट इट। पर वैसा स्टैंडिंग ओवेशन मैच से पहले मैंने एबी डिविलियर्स के लिए देखा यार, और देखते ना मतलब वाओ, व्हाट अ फीलिंग, एज इफ कि ये भारतीय हैं। आई मीन द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, द एडमिरेशन जो भारतीय दिलों में जिन्होंने अपने लिए जगह बनाई है, दैट वाज एग्जेम्पलरी। तो वो एक बड़ी मेरी मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से एकदम से एच हो गई ये बात की, जो हमेशा रहेगी कि ऐसा खिलाड़ी जो भारत आके खेला, कभी कोई विश्व कप की कोई उसने ट्रॉफी आज तक उठाई नहीं, एब्सोल्यूट जीनियस, बल्ले के साथ ऐसा काम करता था जैसे उनके जैसा कोई है नहीं। मैं तो एबी डिविलियर्स, क्योंकि देखो वो सिर्फ मल्टी टैलेंटेड है, वो स्पोर्ट्स टेनिस भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, और क्रिकेट में वो हर जगह शॉट खेल सकता है, ये नहीं कि सिर्फ आगे खेलो पीछे खेलो, हर जगह उसको मिस्टर 360 भी बोलते हैं ना, उसलिए पसंद है। डिविलियर्स में जो एबिलिटी है वो धोनी में नहीं। अगर आप मेरे से पूछते बेस्ट कैप्टन कौन है, तो मैं धोनी का नाम लेता ज़रूर, लेकिन आप एज अ प्लेयर, कंप्लीट प्लेयर बोले तो मैं डिविलियर्स बोलना चाहूँगा। बेस्ट हीटर अगर आप पावर की बात कर रहे हैं तो पावर तो धोनी में है, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं अगर क्लासिक प्लेयर अगर आप क्लास भी देखा जाए तो वो डिविलियर्स में ज़्यादा है धोनी से। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धोनी मतलब गेम प्ले हो गया, टीम वर्क हो गया, फिर पूरा मतलब मैच निकालने में वो एक्सपर्ट है। देखो डिविलियर्स को उतना पता नहीं है, बट धोनी का बस इतना ही पता है। हाँ फिलहाल आपकी बात तो नहीं कर रहा, पर पहले के हिसाब से तो बेस्ट है, कंडीशन के हिसाब से प्लेयर अपना गेम खेलता है। धोनी में क्या क्या चीज़ें आपको, धोनी की क्या क्या खूबियाँ आपको पसंद? हम उनका होना टीम में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो उनका माइंड चलता है वो गेम के हिसाब से बहुत अच्छा चलता है। और एबी डिविलियर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो भी बेस्ट हिटर है, मेरे लिए तो धोनी बेस्ट है, बट धोनी बेस्ट है। आप चूज करना हो तो आपकी पसंद धोनी। तो दोस्तों एबी डिविलियर्स के बारे में आपकी क्या राय है, इस बात का जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके अपने खालसा पहचान को सब्सक्राइब कर लें। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु फतेह।